दोस्तों, पिक्सार्ट ऐप से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल का जो स्क्रीनशॉट है उसको एडिटिंग करके कुछ इस तरीके का लुक दे सकते हैं जो देखने में बहुत ही कूल लग रहा है। तो किस तरीके से आपको एडिटिंग करना है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम है गोपी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप को डेटा ऑफ करके ऑन करना है ताकि आपको साइन इन करने के लिए ना बोले। उसके बाद नीचे के साइड में प्लस बेल आइकन पर प्रेस करना है और एडिट ऑफ फोटो के ऊपर प्रेस कर देना है। अब आपको बैकग्राउंड को चूज करना है जो कि मेरे यहाँ पर करा हुआ है ऑलरेडी डाउनलोड। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। फोटो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपका जो भी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट है उसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए नीचे के साइड में आपको राइट साइड की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करना है और ऐड फोटो के ऊपर प्रेस करना है। और ये रहा फोटो, फोटो में क्लिक करके राइट साइड की तरफ ऐड वन में क्लिक कर देना है। रेडी हो चुका है, इसको आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है नीचे के साइड में, इसमें आपको क्लिक करना है और ये क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और राइट साइड की तरफ ये टिक वाला ऑप्शन के ऊपर आपको प्रेस कर देना है। फोटो रेडी हो चुका है, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। अभी कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा और मिडिल पॉइंट पे आपको जो रखना है इस तरीके से आपको रख लेना है। मैं यहाँ पर जो है जल्दी से कर रहा हूँ, आप जो समय देकर थोड़ा सा फिनिशिंग करके कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरा फोटो जो है वो रेडी हो चुका है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यह हो गया रेडी। फोटो रेडी हो जाने के बाद आपको नीचे के साइड में ऑप्शन मिल जाता है बहुत सारा, इसमें आपको थोड़ा स्लाइड करना है और ये जो ब्लेंड नाम का एक ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करके मल्टीप्लाई को सिलेक्टेड कर लेना है। जैसा कि देख सकते हो ये सिलेक्टेड हो चुका है। अब आपको ऊपर के साइड में इरेजर एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। जो कि बाहर वाला पॉइंट है इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो है इरेज हो रहा है। और आप चाहे तो इसमें रीस्टोर भी कर सकते हो इसमें क्लिक करके। तो आपको जो है ये ध्यान से कर लेना है, जब भी आप कर लोगे तो ये हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर हार्डनेस को भी बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। ये हार्डनेस हो गया तो ये रेडी हो रहा है अभी। जैसा कि यहाँ पर मैं जूम आउट करके दिखा दूँ तो ये फोटो तो रेडी हो चुका है। अब आपको राइट साइड की तरफ ये टिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, फिर से क्लिक, ये सेट हो चुका है। इसको और भी थोड़ा सा नेचुरल और इसको क्लियरिटी जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको टूल्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और एडजस्ट में क्लिक करना है और क्लियरिटी को थोड़ा सा क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जैसा कि देख सकते हो, आप चाहे तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और जो हाईलाइट्स को भी बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ 5 या फिर 6 कर सकते हो। ज़्यादा करने से ये नेचुरल जो है वो उड़ जाएगा, तो इसको ठीक तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको राइट साइड की तरफ टिक वाला ऑप्शन में क्लिक करके ये हो जाएगा रेडी। इसको सेव करना है, सेव करने के लिए ड्रॉ में क्लिक करना है और ड्रॉ में क्लिक करने के बाद फिर से ड्रॉ और राइट साइड की तरफ जो टिक वाला ऑप्शन है ये 3-डॉट वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक और सेव इमेज। अब दोस्तों ये जो फोटो है ये आपके गैलरी में सेव हो गया है और इसका लुक देख सकते हैं फाइनली किस तरीके से लग रहा है। एडिटिंग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में यूजर नेम है टेकगोपी28, तो जाके फॉलो कर सकते हो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।